सो गाइज वट वी आर गोइंग टू टूडे, आज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ. क्या डिस्कस करने वाले हैं? पब्लिक इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है क्या है ये आपका रहता है, एंड दैट टॉपिक वुड बी नोन एज दी, क्या नाम है जी इस टॉपिक का? इस टॉपिक का आपका यहाँ पे नाम है, दैट वुड बी थ्योरी ऑफ टैक्सेशन विद एमसीक्यूज. ठीक है, तो ये आप जिस तरीके से आप जानते हैं कि पेपर में हर बार इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, फ्रेम होता ही होता है. ठीक है, तो थ्योरी ऑफ टैक्सेशन के ऊपर हम लोग यहाँ पे अपना बातचीत जो है करने वाले हैं. राइट, हाय तृप्ति, हाय. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए इसके अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टैक्सेशन थ्योरी पढ़ने से पहले कि वट इज़ अ टैक्स, टैक्स क्या होता है. अ टैक्स इज अ कंपल्सरी लेवी and those who are taxed have to pay the sum irrespective of any corresponding return of services or goods by the government. देखिए एक तरीके का क्या है, एक तरीके का एक ऐसा कंपल्सरी लेवाई है जिनके ऊपर डाला जाता है. those who are taxed they have to pay. हेलो स्नेहलता, उनको वो क्या करना पड़ेगा, उनको वो पे करना ही पड़ेगा. दे हैव टू पे द सम्स इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न. मतलब जरूरी नहीं है कि अच्छा शालू की कंटेंट वाली बुक आ गई, कॉन्ग्रेचुलेशन शालू. हाँ जी, तो कॉरस्पॉन्डिंग रिटर्न ऑफ सर्विसेज और गुड्स बाय द गवर्नमेंट उसको उसके बदले मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इस चीज़ से यहाँ पे कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता. ठीक है, तो इसके अंदर आप सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़ने वाले हो व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस. हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेस. ओके, आप सभी एक बात जो है क्या है अच्छे से आप लोग जानते हैं. क्या जानते हैं जी? द फोर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन हैज़ गिवन बाय द एडम स्मिथ. ठीक है, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन जो है आपकी किसने दी है? एडम स्मिथ ने दी है. एंड देर आर फोर कैनन्स जो ये देते हैं. सबसे पहले है जी आपका कैनन ऑफ इक्विटी. देखो यार, कैनन ऑफ इक्विटी का क्या मतलब है? कैनन ऑफ इक्विटी का मतलब है कि जो आपका, अच्छा बुक बहुत अच्छी है क्वालिटी वाइज, थैंक यू. हाँ जी, तो कैनन ऑफ इक्विटी का आपका यहाँ पे क्या मतलब है? कैनन ऑफ इक्विटी का यार आपका मतलब होता है कि जैसे दो लोग हैं, ठीक है, ए है और बी है, राइट, एंड दे आर अर्निंग 15 लाख पर एनम, राइट. तो ऐसा ना हो कि ए से तो आप ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हो और बी से आप कम टैक्स कलेक्ट करो, बल्कि यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, इक्विटी जो है बेसिकली आपको यहाँ पे पाया जाना चाहिए. इक्विटी जो है आपको यहाँ पे इसके अंदर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलना चाहिए. ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट है कैनन ऑफ सर्टेनिटी. सर्टेनिटी का मतलब क्या है कि भाई जो आपका टैक्सेशन सिस्टम है उसके अंदर सर्टेनिटी होना चाहिए. ऐसा ना हो कि पता ही नहीं है कि किसको कितना टैक्स पे करना है. देर शुड नॉट बी अ पॉइंट ऑफ लाइक दिस. तो सर्टेनिटी होना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, उसके बाद है कैनन ऑफ कन्वीनियंस. अब देखो, टैक्स इज समथिंग आप खुद ही बताओ, या लोग कहते हैं कि हम अपनी सैलरी का एक पार्ट गवर्नमेंट को भी दें और ऊपर से हम लंबी लंबी लाइनों में भी लगे, हमें कन्वीनियंस भी ना हो, तो फ़ायदा ही क्या है, हम जाएँ क्यों पैसा देने? इससे अच्छा तो हम बचा लेते हैं, तो वो ज़्यादा बढ़िया है. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, कैनन ऑफ कन्वीनियंस मतलब अपनी कन्वीनियंस के ऊपर जो है लोग आराम से टैक्स पे कर पाएँ. जैसे ऑनलाइन घर बैठे बैठे एसीस में अपना टैक्स जो है क्या है भर सकते हैं, उन्हें कोई मतलब खिसा पिटा पुराना सिस्टम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, उसके बाद है जी नेक्स्ट आपका कैनन ऑफ इकोनॉमी. ठीक है, देखिए आपने एक बात सुना होगा, जो आपके टैक्स लगते हैं इकोनॉमी में वो दो टाइप के होते हैं. एक तो होता है प्रोग्रेसिव, एक होता है प्रोग्रेसिव. कोई बता सकता है दोनों के अंदर क्या फर्क होता है प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव में? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? व्हाट इज डिफरेंस, डिफरेंस पूछ रहा हूँ मैं, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? देखो प्रोग्रेसिव टैक्स आपका क्या होता है, हाँ वेरी गुड, जैसे जैसे आपका जो है क्या है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता चला जाता है तो वैसे वैसे टैक्सेस जो हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं. ओके, और इधर रिग्रेसिव में क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ता चला जाता है
तो वैसे वैसे जो यहाँ पे टैक्सेस हैं वो टैक्सेस आपके यहाँ पे फॉल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक, ये वाली चीज़ जो आपको यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो अब ये कैनन ऑफ इकोनॉमी में क्या कह रहा है, कैनन ऑफ इकोनॉमी में कह रहा है कि किस तरीके का टैक्सेशन जो है क्या है एक कंट्री में लागू होना चाहिए, वो लागू होना चाहिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है आपको यहाँ पर लागू होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थ्योरी आ रही है जी बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द बेनिफिट रिसीव थ्योरी। इट वॉज इनिशियली डेवलप्ड बाई नट विक्सल एंड लेटर प्रोफेसर लिंडन। ठीक है, इनिशियली इसको किसने डेवलप किया है, इनिशियली इसको नट विक्सल ने इसको यहाँ पे डेवलप किया है और लेटर प्रोफेसर लिंडल जो है बेसिकली इसको यहाँ पे लेकर आए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बर्डन ऑफ टैक्सेशन शुड बी डिवाइडेड अमंग द पीपल इन प्रपोर्शन टू द बेनिफिट रिसीव फ्रॉम द स्टेट। ओके, देखिए इसका मतलब क्या होता है, इस थ्योरी का क्या मतलब है, इस थ्योरी का ये मतलब होता है जो आपका बर्डन ऑफ टैक्सेशन है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लोग यहाँ पे शुड बी डिवाइडेड अमंग द पीपल, इस तरीके से लोगों में यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए इन द प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट रिसीव फ्रॉम द स्टेट। मतलब जैसे जैसे उसको क्या हो रहा है, जैसे जैसे उसको गवर्नमेंट से बेनिफिट रिसीव हो रहा है ना, उस तरीके से जो है टैक्स का बर्डन जो है क्या करना चाहिए उसको डिवाइडेशन, मतलब अगर तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रिसीव हो रहा है तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना चाहिए, अगर आपको कम बेनिफिट रिसीव हो रहा है तो आपको कम टैक्स पे करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी होती है हमारी बेनिफिट रिसीव थ्योरी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है यार एबिलिटी टू पे अप्रोच, दिस वाज गिवन बाय, इस थ्योरी को किसने दिया है, ये थ्योरी दी है सेलिजमैन ने। ठीक है, और इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कौन कौन दे रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें दिया है पिगू, एजवर्थ और कैल्डर ने, राइट, ये वाली चीज़ें जो है बेसिकली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, राइट। और यहाँ पे आपको कौन सी जो है, व्हाट वुड यू थिंक हियर, कौन सी वाली चीज़ जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे जो है क्या है आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अ सिटीजन इज टू पे टैक्सेस बिकॉज ही कैन एंड हिज रिलेटिव शेयर इन द टोटल टैक्स बर्डन इज डिटरमाइंड बाय इज रिलेटिव कैपेसिटी। ठीक है, ये वाली चीज़ जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, इस अप्रोच के हिसाब से क्या होता है, सिटीजन जो है आपका टैक्स पे करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसकी एबिलिटी है, क्यों, क्योंकि वो जो है क्या है, और अच्छा कोई एक एग्जांपल आप यहाँ पे बताओ जो है, व्हाट इज द एग्जांपल फॉर एबिलिटी टू पे अप्रोच इन इंडिया। ठीक है, कोई भी आप एक ऐसा एग्जांपल बताइए एबिलिटी टू पे अप्रोच का। गुड आफ्टरनून लीलू, इनकम टैक्स। ठीक है, देखिए एबिलिटी टू पे जो है आपका क्या होता है, इनकम टैक्स जो है क्या है आपको यहाँ पे, ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, राइट। तो इसके अंदर आपको यहाँ पे कौन सी वाली चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जैसे जैसे एक इंसान की एबिलिटी है, ठीक है, जैसे जैसे एक इंसान की क्या है एबिलिटी है, एबल टू पे है, राइट, वैसे वैसे उसको क्या करना चाहिए, वैसे वैसे उसको वहाँ पे टैक्सेस को पे करना चाहिए, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपका यहाँ पे सेक्रीफाइस प्रिंसिपल, दिस वाज गिवन बाय द रिगार्ड मस्क्रेव ने जो है क्या है बेसिकली यहाँ पे इसको दिया है, एंड देयर आर थ्री सेक्रीफाइस प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू दैट। ओके, कौन कौन से हैं जी आपका, फर्स्ट नंबर के ऊपर है आपका इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस, सेकेंड नंबर के ऊपर जो है क्या है आपका यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शनल सेक्रीफाइस,
और थर्ड जो है क्या है आपका इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस जो है क्या है आपको यहाँ पे नजर आएगा। ओके तो दिस थ्री टर्म्स जो है बेसिकली आप यहाँ पे जो है क्या है यहाँ पे आप इसके अंदर देखने वाले हैं, राइट। अब इसमें देखो यार कौन सी वाली चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, व्हाट वुड यू सी हियर। इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस का क्या मतलब होता है, देखिए दिस मीन्स दैट, व्हाट डज इट मीन, दिस मीन्स दैट डिफरेंट टैक्स पेयर आर मेड टू सेक्रीफाइस द सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी बाय वे ऑफ टैक्सेस। मतलब यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टैक्स पेयर यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जो उनका यूटिलिटी सेक्रीफाइस हो रहा है, ओके वो सेम अमाउंट से क्या हो जी सेक्रीफाइस होता हुआ आपको यहाँ पे नजर आए। यूटिलिटी ऑफ वाई माइनस यूटिलिटी ऑफ वाई माइनस टी, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को आप यहाँ पे याद रखिए। देखिए क्या कहता है, मतलब जैसे मान लो एक ए इंडिविजुअल है, ठीक है, तो ए का जो यूटिलिटी है राइट, वो यहाँ पे किसके इक्वल होना चाहिए, वो यहाँ पे बी के इक्वल जो है बेसिकली, मतलब इनकम से पहले। और दूसरी बात यहाँ पे जो है क्या है, टैक्स पे करने के बाद जो इन दोनों का आपस का यूटिलिटी है वो आपका यहाँ पे इक्वल होना चाहिए इन द एब्सोल्यूट रिटर्न, इन द एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस। ओके तो इसको आप बोलते हैं, इसको आप क्या नाम देते हैं, इसको आप इक्वल एब्सोल्यूट सेक्रीफाइस का नाम जो है आप यहाँ पे देते हैं, राइट। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है जी आपका यहाँ पे इक्वल प्रपोर्शनल सेक्रीफाइस। ओके वट इज़ द मीनिंग ऑफ द इक्वल प्रपोर्शनल सेक्रीफाइस, इन दिस केस ईच टैक्स पेयर इज सपोज्ड टू सेक्रीफाइस द सेम परसेंटेज ऑफ द टोटल सेटिस्फेक्शन विच ही वुड डेराइव फ्रॉम हिज इनकम, मोर प्रोग्रेसिव देन एब्सोल्यूट इक्वल सेक्रीफाइस। ओके यहाँ पे जो है क्या है आपको इसके अंदर यहाँ पे कौन सी वाली चीज़ जो है क्या है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, व्हाट वुड यू सी हियर। देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या है, यूटिलिटी ऑफ वाई माइनस यूटिलिटी ऑफ वाई माइनस टी डिवाइडेड बाय यूटिलिटी ऑफ वाई। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ इनकम से जो है क्या है हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हेलो एम पी अतवाल, व्हाट वी आर डूइंग हियर, यहाँ पे जो है यूटिलिटी ऑफ वाई को माइनस यूटिलिटी ऑफ वाई माइनस टी को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं किससे, यूटिलिटी ऑफ इनकम से जो है यूटिलिटी ऑफ वाई से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके। और यहाँ पे ये ए वाली की जो भी आपके यहाँ पे यूटिलिटी निकल रही है वो सारी आपके यहाँ पे किसके इक्वल होना चाहिए, वो सारी आपके यहाँ पे बी के इक्वल जो है बेसिकली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ओके यूटिलिटी ऑफ ए वुड बी इक्वल टू दी यहाँ पे यूटिलिटी ऑफ बी के इक्वल जो है क्या है आपको यहाँ पे ये नज़र आना चाहिए। ओके तो ये वाली चीज़ जो है क्या है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है आपका यहाँ पे, इक्वल मार्जिनल सेक्रीफाइस और द लीस्ट एग्रीगेट सेक्रीफाइस। ओके इसका मतलब जो है क्या है आपका यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द दिस थ्योरी द टैक्स बर्डन शुड बी इम्पोज इन सच अ वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम लेफ्ट आफ्टर टैक्स विद एनी टैक्स पेयर वुड बी सेम। ओके देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो भी आपका टैक्स बर्डन है शुड बी इम्पोज इन सच अ वे, ओके उसको जो है इस तरीके से यहाँ पे इम्पोजिशन जो है क्या है यहाँ पे किया जाए, ओके कि जो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे सेक्रीफाइस हो रही है ना दो लोगों की आफ्टर टैक्स, टैक्स को पे करने के बाद। देखो आप एक बात अच्छे से जानते हैं, जब भी हम इकोनॉमिक्स में मार्जिनल यूटिलिटी की मतलब मार्जिनल जब हमें निकालना होता है तो हम वहाँ पे उसका क्या निकालते हैं, व्हाट शुड वी डू, क्या निकालेंगे यहाँ पे हम उसका, जब भी आपको मार्जिनल चाहिए इकोनॉमिक्स में तो आप उसका निकालते हो डेरिवेटिव। ओके तो यहाँ पे हम लोग डी यू यूटिलिटी ऑफ वाई माइनस टी, हाय अरविंद राजपूत, ओके
डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस टी, ओके, फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी वाई माइनस टी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस टी, ओके, ये वाली चीज़ जो है बेसिकली आपको यहाँ पे देखने के लिए जो है क्या है यहाँ पे मिलेगा। और ये कैसा होता है, ये नेचर में हाईली प्रोग्रेसिव है। देखो हाईली प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, हाईली प्रोग्रेसिव का मतलब आपका ये है कि जैसे जैसे जो आपका एक भी यूनिट से अगर इनकम चेंज हो रहा है तो जितने से टैक्स चेंज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, यहाँ तक क्लियर है जी क्या सभी को, ये जितने भी अभी हम लोगों ने पढ़ी है थ्योरीज। फर्स्ट मैंने आपको फोर कैनन्स ऑफ एडम स्मिथ पढ़ाया, फिर मैंने आपको बेनिफिट रिसीव थ्योरी पढ़ाया, फिर तीसरा मैंने आपको यहाँ पे एबिलिटी टू पे अप्रोच पढ़ाया, फिर हम लोगों ने सेक्रीफाइस प्रिंसिपल करा है। ठीक है, क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस, जो है क्या है बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बताने वाला है। ओके, इंसिडेंस ऑफ टैक्स का जो क्या मतलब है आपका, हु अल्टीमेट बेयर्स द बर्डन ऑफ टैक्स। ओके, इंसिडेंस ऑफ टैक्स का क्या मतलब है कि आखिर में जाकर अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू बेयर द बर्डन ऑफ टैक्स। बर्डन ऑफ टैक्स जो है क्या है यहाँ पे कौन बेयर करने वाला है। देखिए आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, इस बार भी आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन उसने पूछा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स, राइट। तो आपके यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक तो आपका होता है इम्पैक्ट, दूसरा होता है आपका यहाँ पे इंसिडेंस। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, एक तो आपका इम्पैक्ट है और दूसरा है आपका इंसिडेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। देखिए यार, इम्पैक्ट का मतलब जो है क्या आपका यहाँ पे क्या होता है, इम्पैक्ट होता है वो पहला इंसान, ओके, चार्जर, वो पहला इंसान जो कॉन्टेक्ट में आया जिसको टैक्स पे करना चाहिए था, राइट। एंड इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंस होता है हु एक्चुअली पेस द टैक्स, राइट, हु अल्टीमेटली बेयर्स द बर्डन ऑफ टैक्स, दिस वुड बी नोन एज द, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे, इस चीज़ को आप इंसिडेंस ऑफ टैक्स के नाम से जानेंगे। ओके, वेयर एज इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इज इट्स फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द टैक्स पेयर, इट इज़ अपॉन दोज हु बेयर द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग इट। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या है, पहला इंसान जो है क्या है यहाँ पे कौन टैक्स पे करने वाला है, राइट। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अच्छा, इंसिडेंस ऑफ टैक्स को आप फाइनल रेस्टिंग प्लेस के नाम से भी जानते हो, इम्पैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट को हम लोग बोलते हैं कि जो पहला इंसान, जो फर्स्ट पर्सन आया कॉन्टैक्ट में जिसको टैक्स पे करना चाहिए। और इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंस है जी आपका यहाँ पे फाइनल रेस्टिंग प्लेस। ओके, कि फाइनल जो है क्या है, किसके ऊपर जाके अल्टीमेटली जो है वो जा रहा है या गिर रहा है, दैट इज़ योर फाइनल रेस्टिंग प्लेस, राइट। नाउ लेट्स गेट सी। देखिए अब बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में बर्डन किसके ऊपर टैक्स का शिफ्ट होता है, राइट। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो यार, जो टैक्स का बर्डन है ना, टैक्स का बर्डन क्या होता है, अगर तो आपका नॉर्मल डिमांड और नॉर्मल अगर आपकी सप्लाई की शेप है, ठीक है, तो टैक्स का बर्डन आप ये देखोगे कि टैक्स वुड बी इक्वली शेयर बाय दी, इक्वली उसको क्या करा जाता है, शेयर करा जाता है किसके बीच में, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में। आई जस्ट शो यू कैसा होता है डायग्राम, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे, अब यहाँ पे डिमांड का भी नॉर्मल है आपका, ओके, और जो दूसरी चीज़ है आपकी यहाँ पे क्या है, आपका डिमांड का भी नॉर्मल है और सप्लाई का भी नॉर्मल शेप है, ठीक है। तो एज यू कैन सी, पी ई इक्वलरम प्राइस, क्यू इज इक्वलरम क्वांटिटी। ओके, लेट्स एज्यूम जो टैक्स इम्पोजिशन हो रहा है वो सप्लायर के ऊपर हो रहा है, तो सप्लाई कब आपका लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया,
लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने की वजह से अब यहाँ पे जो बायर प्राइस पे कर रहा है दैट इज़ द पीबी, और जो सेलर प्राइस पे कर रहा है दैट इज़ द ओ, जो सेलर को प्राइस मिल रहा है दैट इज़ द पीएस। ठीक है, तो मतलब एक बात जो है क्या है आप यहाँ पे समझ लीजिए, क्या समझेंगे आप यहाँ पे जो है क्या है दिस रेक्टेंगल, राइट, ये वाला जो आप यहाँ पे रेक्टेंगल देख रहे हैं ना, ओके, ये बायर का लॉस हो रहा है और ये सेलर का लॉस हो रहा है। आप ध्यान से देखो तो इक्विलिब्रियम प्राइस से बायर ज़्यादा प्राइस पे कर रहा है और सेलर को इक्विलिब्रियम प्राइस से कम प्राइस मिल रहा है, मतलब बायर के ज़्यादा पे करने के बाद भी सेलर को जो प्राइस मिल रहा है वो यहाँ पे कम मिल रहा है, समझाइए ये बात। ओके, तो यहाँ पे सप्लायर आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। मान लो ये टैक्स अगर 5 रुपये का होता, ठीक है, तो 2.5 रुपये जो है बायर पे कर रहा है और 2.5 रुपये यहाँ पे सेलर, मतलब यूजुअल में टैक्स जो है क्या करता है, टैक्स जो है एक बायर और सेलर के बीच में एक ब्रिज जो है वो बना देता है, और ब्रिज बना देता है जी, किस तरीके से ब्रिज बना देता है जी, 50-50% वाला जो है क्या है यहाँ पे ये ब्रिज जो है यहाँ पे बना देता है, 50% बायर पे करेगा और 50% जो है यहाँ पे कौन पे करने वाला है, 50% जो है यहाँ पे सेलर जो है बेसिकली यहाँ पे करने वाला है। ठीक, 50% इज गोइंग टू बी पेड बाय द बायर एंड 50% इज गोइंग टू बी पेड बाय द सेलर, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ओके, बट मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ, देखो टैक्स इंसिडेंस किसके ऊपर पड़ने वाला है, ओके, किसके ऊपर ज़्यादा पड़ने वाला है, किसके ऊपर कम पड़ने वाला है, या किसके ऊपर 100% पड़ने वाला है, ये चीज़ डिपेंड करती है किसके ऊपर, ये चीज़ डिपेंड करती है जी आपका शेप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको जो डिमांड कर्व है कैसा दिखा, डिमांड कर्व नॉर्मल आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने के लिए मिला, और जो आपका सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व आपको कैसा दिखा, सप्लाई कर्व आपको अपवर्ड स्लोपिंग आपको नॉर्मल देखने के लिए मिला। अच्छा एक बात और, मैंने आपको बोला ये टैक्स जो है आप लोग प्रोड्यूसर के ऊपर लगा रहे हैं, देखो लगाया तो प्रोड्यूसर के ऊपर था, इम्पैक्ट किसके ऊपर है, अगर इस ग्राफ की मैं बात करूं, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स किसके ऊपर है, प्रोड्यूसर के ऊपर है या सेलर के ऊपर है, और सॉरी प्रोड्यूसर के ऊपर है बायर के ऊपर है, इम्पैक्ट की बात पूछ रही हूँ मैं, हु बेयर्स द इम्पैक्ट ऑफ टैक्स इन दिस ग्राफ, अरे देखो इम्पैक्ट तो यार प्रोड्यूसर के ऊपर है ना, वो पहला बंदा कांटेक्ट में कौन आया जिसको टैक्स पे करना था, तभी तो हम लोग यहाँ पे सप्लाई कर्व शिफ्ट करा रहे हैं, अगर इम्पैक्ट जो है कंज्यूमर के ऊपर होता तो हम अपना डिमांड कर्व शिफ्ट कराते, यही तो फर्क है, दैट्स वाई वी आर डूइंग इट। हमारा जो है क्या है यहाँ पे क्या शिफ्ट करवाया है हमने, यहाँ पे सप्लाई कर्व जो है बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे जो अपना शिफ्ट करवाया है और कैसा मूव कर रहा है, ये लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है, इम्पैक्ट पड़ा है सेलर के ऊपर, और इंसिडेंट्स मतलब हु इज अल्टीमेटली पेइंग द टैक्स, प्रोड्यूसर एंड सेलर दोनों आधा आधा 50-50% जो है क्या है यहाँ पे क्या कर रहे हैं उसको पे कर रहे हैं। ठीक है, नाउ आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ मोर क्लियर टू यू, ओके, अच्छे से आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको इसके अंदर और बता दूँ, जो मैं आपसे बात कर रही थी ना अबाउट द 3 काइंड ऑफ टैक्स जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, प्रोड्यूसर, सॉरी प्रोड्यूसर कह रही हूँ, 3 तरीके का टैक्स जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, राइट, तो 3 तरीके का टैक्स जो है क्या है आपको यहाँ पे कौन कौन सा है, द फर्स्ट वन इज़ द प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, जैसे जैसे आपका इनकम जो है क्या है आपका यहाँ पे, जैसे जैसे आपका यहाँ पे इनकम इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे टैक्स आपका इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है, रिग्रेसिव जैसे जैसे आपका इनकम इंक्रीज़ होता है टैक्स आपका यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज होना जो है, मतलब इनकम इंक्रीज़ होने से टैक्स उल्टा क्या हो रहा है, टैक्स उल्टा यहाँ पे डिक्रीज़ होता हुआ आपको यहाँ पे जो है क्या है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है जी आपका प्रोपोर्शनल टैक्स, ओके, तो प्रोपोर्शनल टैक्स के अंदर यार आपको क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है, प्रोपोर्शनल के अंदर आपको चीज़ देखने के लिए मिलती है जब आपका इनकम चेंज हो रहा है, ओके, हाँ जैसे ही आपका इनकम चेंज हो रहा है, लेकिन दिस वुड बी सेम, ठीक है,
इसको यहाँ पे कहीं भी किसी तरीके का जो है कोई फर्क यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा। ओके, इनकम चेंज होने की वजह से सेम टैक्स ऑलवेज, तो ये होता है आपका प्रोपोर्शनल। ओके, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल के बीच में।